मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप? सारा एहसान हयातों में जिन 2 लाख रुपए के लिए आप मुझे इन टके टके के लोगों से मिलने पर मजबूर कर रहे हैं, मेरे बाबा के ऑफिस में जूतियां चटखाते हैं लोग। समझने की कोशिश तो कर, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा इस फ्लैट से। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमसे एक रिक्वेस्ट है सही, प्लीज मेरे पीछे हैदराबाद मत आना। घर में आपके साथ क्या हुआ है? कौन आया था मैं जानना चाहता हूँ। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। ज़हीन को मैं इतना अच्छा नहीं जानती, मगर उसके बाप को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत शरीफ इंसान था। तुम्हारे बाबा तो आंखें बंद करके उस पे यकीन रखते थे। बीसीओ ड्राइवर रखे हसन साहब ने, मगर तुम्हारी और बेला की जिम्मेदारी सिर्फ साबिर की थी। और दुनिया इधर की उधर हो जाए, साबिर ने कभी अपनी ड्यूटी से गफलत नहीं बरती। ज़हीन को जब मैंने पहली दफा देखा तो वो भी मुझे बिल्कुल अपने बाप जैसा लगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ चले गए, लेकिन तुम्हें ज़हीन को इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बल्कि अगर वो खुद तुम्हें यहाँ छोड़ जाता तो मुझे इत्मीनान होता। अगर ससुराल वालों को बताकर आती तो तुम। बुआ प्लीज, मैंने आपको बताया था कि ये निकाह मैंने खुशी और मोहब्बत में नहीं किया, मजबूरी थी मेरी। सारे हालात बताए तो थे आपको। जब मैं इस निकाह को ही नहीं मानती, ज़हीन को अपना शोहर नहीं मानती, तो आप क्यों उसके घर वालों को मेरे ससुराल वाले कह रही हैं? अच्छा चलो अब नहीं कहूंगी। अगर आपको मेरे यहाँ रहने से एतराज है तो मैं चली जाऊं। खबरदार, जो तुमने यहाँ से जाने की बात की वो तुम्हें तुम्हारी बड़ी हूँ तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, इसलिए अपने तजुर्बे के बिना पर ये बात कर रही थी। तुम तो गुस्सा ही होगी। जब तक तुम्हारे बाबा तुम्हें यहाँ से मना कर नहीं ले जाते ना, तुम यहीं रहोगी। बाबा मुझे लेने नहीं आएंगे, वो नाराज है मुझसे। अरे बेटा, बाप ज्यादा देर तक औलाद से नाराज नहीं रह सकता। बुआ मैं बहुत अकेली रह गई, सारिम भाई ने भी मुझे अपने घर में रखना गवारा नहीं किया। मुझे आपके अलावा किसी का ख्याल नहीं आया इसलिए यहाँ पर आ गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि हैदराबाद में कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँ। मैं ज्यादा दिन आप लोगों के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। हाय, नौकरी? मेरे यहाँ रहते हुए तुम नौकरी करोगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। बुआ प्लीज, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मुझे रहने के लिए एक छत और सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैं आपके अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मम्मी अंडे और दूध, आपने जो पैसे दिए थे वो सब खत्म हो गए। महंगाई इतनी हो गई, कुछ बचता ही नहीं है। गोश्त भी लाना था लेकिन पैसे नहीं थे। सोच रहा हूँ घर का आधा हिस्सा किराए पे दे दूँ ताकि थोड़ा बहुत आमदनी का जरिया तो बने। ज़हीन बेटा, नाश्ता लगा दिया, चल नाश्ता कर ले। एक मिनट, अम्मा फोन सुन रही हैं। सारा का है? हेलो, क्या आप ज़हीन अहमद साहब बात कर रहे हैं? जी सर, मैं एल्सा एंटरप्राइजेस से बात कर रही हूँ। हमारे पास आपकी सीवी आई हुई है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है एज ए फाइनेंस मैनेजर। थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने तो आपके पास जॉब अप्लाई नहीं किया है। जी सर, हमें किसी रिक्रूटमेंट अदारे की तरफ से आपकी सीवी वसूल हुई थी। आज शाम को 5 बजे आपका इंटरव्यू है और हमारी कंपनी के सीईओ आपका इंटरव्यू लेंगे। प्लीज़ आप टाइम पर पहुंच जाइएगा।
अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? मम्मी, एक बहुत बड़ी फर्म से मुझे खुद ही जॉब ऑफर आई है, मैनेजर लेवल की है। इसका मतलब है तनख्वाह भी बहुत अच्छी होगी। हाँ माँ, क्यों नहीं, आप बस दुआ करें, मुझे इस वक्त आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे ये जॉब जरूर चाहिए। बेफिक्र हो जा मेरे बच्चे, मैं नमाज पढ़ के दुआ करूंगी तेरे लिए और सदका भी दूंगी, तू बस एतमाद से जा, इंशाल्लाह देखना मेरा बच्चा कामयाब होगा। अच्छा चल जल्दी कर नाश्ता कर। जी जी बस आ रहा हूँ। क्या सोचा आपने? किस बारे में? सारा के बारे में और किसके बारे में? आपको पता है कुछ दिनों में नाहिद बच्चे आ जाएंगे और नाहिद को सारा का यहाँ होना बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं भी इसके हक में नहीं। मैंने तुमसे कह दिया सारा कहीं नहीं जाएगी। अगर सारा को यहाँ रहना है तो यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकती, उसको घर के खर्चे में हिस्सा डालना पड़ेगा। बकवास बंद करो, ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ रखो। तुम और तुम्हारी बीवी सारा को बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो चले जाओ यहाँ से। सीवी बहुत इंप्रेसिव है, हमें आप जैसे मेहनती और काबिल मैनेजर की जरूरत है। सर ये तो सिर्फ मेरी डिग्री है, दर हकीकत मेरी स्पेशलिटी भी यही है, और आपकी कंपनी में एक पॉजिटिव इजाफा महसूस करेंगे आप मुझे, अगर मुझे सेलेक्ट किया तो। क्यों नहीं, इसी तो आपको बुलाया, आप हमारे साथ ज्वाइन करके अच्छा फील करेंगे। क्यों नहीं सर, आपके सीवी में एसएन ग्रुप ऑफ कंपनीज का भी नाम लिखा हुआ है। कितने अर्सा काम किया और कैसा तजुर्बा रहा आपका वहाँ पर, और छोड़ा क्यों? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप जानते ही हैं कि हयात इंडस्ट्रीज का बहुत नाम है, मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने गालिबन वहाँ पे 6 महीने काम किया, छोड़ने की वजह मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो मेरा एक पर्सनल मैटर है। इट्स ओके, फाइन, कोई मसला नहीं। अच्छा आपको मैं इस जॉब के अट्रैक्शंस बताता हूँ। वीकली 2 ऑफ आपको मिलेंगी, इसके साथ साथ एनुअल लीव्स हैं, साल के 4 बोनस मिलेंगे आपको, और शोफर ड्रिवन कार, और स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख रुपए। चूँकि आप ऐसे नयात के साथ काम कर चुके हैं, अगर आप उसके बिजनेस सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर करेंगे तो आपको 50 लाख रुपये तक का कमीशन भी मिल सकता है। ये क्या कह रहे हैं सर आप, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। अब तो आप ऐसे नयात के मुलाजिम नहीं, अब तो आपकी सारी वफादारी हमारी कंपनी के साथ होनी चाहिए। सर मैं समझता हूँ कि जिस मेहनत और ईमानदारी से मैं आपके पास जॉब करूँगा, वैसे ही मैंने वहाँ जॉब की थी, और वो आपके कंपेटिटर होंगे लेकिन मेरे नहीं, मेरे बॉस थे वो, मैं अब भी उनका बहुत एहतराम करता हूँ, आपका भी करता अगर आप मेरे बॉस बन जाते तो। देख लीजिए, आप बहुत बड़ी ऑफर ठुकरा रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, नथिंग इज न्यू। सर आप मुझे 10 लाख सैलरी और 1 करोड़ कमीशन की ऑफर देकर देखिए, मैं उसे भी ठुकरा दूंगा, और आप ही नहीं कोई भी मेरी वफादारी खरीदने की कोशिश करेगा तो मेरा यही जवाब होगा। अंकल वापस कब जा रहे हैं? कल सुबह की फ्लाइट है उनकी। क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्हें डिनर पर इनवाइट करना था। मैंने कहा था उनसे लेकिन उन्होंने मना कर दिया, शायद बिजी है वो, टाइम नहीं उनके पास। टाइम नहीं भी था तो निकाल लेते, उस दिन तुम्हारी फजूल बातों की वजह से वो नाराज हो गए होंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया होगा। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं जानती हूँ आपको उनसे क्या बात करनी थी। पापा बिजनेस और रिलेशनशिप को अलग अलग रखते हैं, खास तौर पे बेटियों के लॉस के साथ तो वो कभी भी पार्टनरशिप पसंद नहीं करेंगे। ये जानते हुए भी
कि उन्हें इस डील में करोड़ों का फायदा हो सकता है? मेरे बाबा को दौलत का कोई लालच नहीं है। मतलब दूसरे मायने में तुम मुझे लालची कहना चाह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ आपको अपने बाबा के ख्यालात के बारे में बताया कि आप लाख उन्हें डिनर्स और लंच पर इनवाइट करें, वो अपने असूलों से हरगिज नहीं हटेंगे। बात नहीं बनी क्या? मैंने तो तेरे अच्छे इंटरव्यू के लिए बहुत दुआएं की थी, मन्नतें भी मान ली थी मैंने। तो जाया थोड़ी ना हुई हैं आपकी दुआएं। देखिएगा, मेरी एक दिन बहुत शानदार जॉब लगेगी। शानदार तो ये भी जॉब थी, लेकिन ये बता आखिर मसला क्या हुआ? मम्मी यूं समझें कि कुछ चीजें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर से खराब होती हैं। और कुछ चीजें देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन सूद बंद होती हैं। जैसे कि मेरी ये जॉब, छोटा सा ऑफिस है, सैलरी कम है, लेकिन मेरा यकीन माने, मैं अंदर से पुरसकून हूँ। कोई मसला नहीं है यहाँ पर, किसी किस्म की साजिशें नहीं है, हर कोई दयानतदारी से अपना अपना काम करता है। अगर मेरी ऐसी ही कोई बड़ी जॉब लगेगी ना, तो मैं फौरन ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, तो मेरा बेटा इतना समझदार हो गया है कि पहली ही नजर में अंदर से पहचान जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। फिर मेरे बेटे को सारा कैसी लगी, अच्छी या? अरे कितनी अच्छी जॉब लग गई थी तेरी, लेकिन उस बदतमीज शाजमा की वजह से चली गई। पता नहीं उसको क्या दुश्मनी है तुझसे। छोड़े ना अम्मी, मैं उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। आप परेशान ना हो, दुआ करें मेरे लिए। देखिएगा, एक दिन मेरी बहुत अच्छी जॉब लगेगी इंशाल्लाह। आपको दुनिया की हर सहूलत, हर आसाइश मुहैया करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दे दे मुझे। मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ले दूध पी और खत्म करना सारा दूध, समझ गया? सर आपको पहले कहाँ लेकर चलूं? पहले ऑफिस फिर घर। जी बेहतर। सुनो, किसी को इत्तला तो नहीं दी तुमने मेरे आने की? नहीं सर, ना ऑफिस में ना ही घर पे। गुड। पागल हो गए, इतनी बड़ी ऑफर ठुकराती उसने। वो सिर्फ नाम का जहीन नहीं है, मुझे तो पता था वो ऐसा ही करेगा। यूसुफ से की बात पर तो ऐसे भड़क गया वो, जैसे पता नहीं क्या कह दिया उसने। जब तुम्हें पता है कि वो इतना अकलमंद है, तो क्या जरूरत थी उसे इतनी कमीशन की ऑफर देने की? शाजमा जाने दो ना, अगर उसकी जॉब लग जाती तो उसके तो मजे शुरू हो जाते। हमें उससे जितना काम लेना था हो गया, अब भाड़ में जाए। क्या मतलब हमारा काम कैसे होगा? एज यूजुअल, शेयर्स का सारा मामला ज़हीन पर डाल देंगे। यूसुफ ज़ही को सारे सीक्रेट्स बताए मैंने, और उसके बदले शेयर्स का सारा इल्जाम ज़हीन पर जाएगा। भाई इंटरव्यू के लिए तो गया था ना वो, बाकी एसन साहब खुद अच्छे तरीके से पूछ लेंगे उससे। मेरा तो दिल खुश हो गया कसम से, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि एहसन के आने से पहले ही सारे काम हो गए। मैं तो बहुत खुश हूं। अब इसी खुशी की खुशी में मेरा रूम सेट करवा दो। बहुत थकावट हो रही है, मैं सोच रहा हूं आज यहीं रुक जाऊं। इसलिए कहती हूँ कम खाया करो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम अभी के अभी अपने घर जाओ। यहाँ रहना ठीक नहीं है, अगर एहसन साहब आ गए तो क्या सोचेंगे। चलो निकलो दफ।
दफा हो यहाँ से। बेगम साहबा, वो एहसन साहब आ गए। क्या? अम्मी, एहसन आ गए? अब तुम जाके छुप जाओ, आज प्लीज जाके कहीं। पागल हो गई, कहाँ छुपेगा, इतना लंबा तड़ंगा, एहसन अभी तक इसकी गाड़ी देख चुका होगा। अब आप बताएं क्या करूं, बताएं मैं। हाँ, हौसला रखो, मैं बता। यहाँ पर ये सोच यहाँ क्या कर रहा है? अरे ऐसा ना, आप कब आए? आप आ रहे थे तो मुझे बता देते, मैं आपको एयरपोर्ट पिक करने आ जाती। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, मैं क्या हुआ, ये रो क्यों रही है? ऐसा सा मेरा बच्चा फरहाद उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आप भी मुल्क से बाहर गए हुए थे, मेरे हाथ पैर फूल गए। ऐसे में इस बेचारे को तकलीफ की, अल्लाह भला करे इसका, इसने हमारी मदद की। अभी हम अस्पताल से वापस आकर बैठे, फरहाद की हालत देख के मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कि अस्पताल से वापस आऊं, लेकिन शाजमान ने जिद करके मुझे वापस लेकर आ गई। अम्मी ने रो रखकर खुद को हल्का कर दिया था, इन्हें आराम की जरूरत थी। हाँ तो तुम्हारी अपनी हालत क्या थी, तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा था भाई की हालत देख के। अल्लाह भला करे इसका, खुशियाँ देखना नसीब हो इसे। इसको मैंने बुलाया, एक आवाज पे दौड़ा चलाया और हमें अस्पताल लेके गया। आंटी, कैसी खैरों वाली बातें कर रही हैं, मैं आपको अपनी माँ की तरह समझता हूँ। आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं सारे काम छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। फरहाद मेरे भी भाइयों की तरह। अब सर, आपने इतला नहीं थी आने की, मुझे बता देते मैं आपको लेने आ जाता। ऐसे मैं आपके लिए खाना गर्म करूं? अम्मा, आप प्लीज रहमत को बोल के एहसन का सामान निकलवाएं गाड़ी से। अम्मा, अभी जाती हूं, तो टांगों में दम नहीं, क्या करूं? एहसन, आप अभी खाना खाएंगे कि पहले फ्रेश होंगे? खाना गर्म करवाती हूं। हाँ, कैसे हो बेटा? ज़हीन बोल रहा हूँ बुआ, कैसी हैं आप? अरे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहचान लिया है, तुम्हारा नंबर सेव है मेरे पास और मुझे पता था कि तुम फोन जरूर करोगे। बात हो सकती है बुआ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। कैसी है वो? क्या बताऊँ बेटा, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसे किसी किस्म की यहाँ तकलीफ ना हो, मगर मुरझा गई वो। उसे इतना उदास देखकर मेरा दिल भी दुखी हो जाता है। मैं बहुत बेबस हूँ बुआ, मैंने भी बहुत कोशिशें की लेकिन मेरी तमाम कोशिशें नाकाम रही। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है बेटा, वो जिस माहौल में रही है और जिन हालात से भी गुजर रही है उसे कबूल करने में कुछ टाइम लगेगा। मुझे इससे इनकार नहीं है बुआ, मगर वो अपने साथ बहुत जुल्म कर रही है। वो मुझसे भाग सकती है मगर खुद से नहीं, इन हालात से नहीं। काश वो ये समझे कि उसकी हर मुश्किल अब मेरी भी मुश्किल बन गई है, उसकी हर तकलीफ मेरी तकलीफ है। मैं जानती हूँ बेटा, सारा जब से यहाँ आई है अपने ऊपर बीती हुई हर बात मुझे बता दी। सच सच बताएं बुआ, इस सब में मेरी गलती नजर आई आपको? किसी की भी नहीं, बस ये है कि सारा और तुम्हारा मेल नहीं है, इसमें न सारा का कसूर है न तुम्हारा। फिर आप बताएं बुआ मैं क्या करूं? कुछ भी ना करो, उसे कुछ दिन मेरे यहाँ आराम से रहने दो, जब हालात साजगार हो जाए, एहसन साहब यहाँ आ जाए
तो फिर देखा जाएगा। मुझे इत्मीनान है बुआ कि तारा आपके पास है, लेकिन क्या उसे इस तरह जाना चाहिए था? बेटा बिन माँ की बच्ची है, ऐसे इंसाफ सारी उम्र कारोबार में लगे रहे, प्यार की कमी ने से तोड़ कर रख दिया है। इंसान कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो, सगे रिश्तों की बेरुखी और कमी इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर करती है। आप उसका बहुत ख्याल रखिएगा बुआ, मुझे अपना एड्रेस भेजिएगा, मैं कुछ पैसे। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने मेहमान भेजा है तो रिस्क भी खुद ही देगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सारा तो फिर भी मेरी बेटी जैसी है ना। बहुत बहुत शुक्रिया बुआ, क्या मैं आपको कभी कभी फोन करके सारा की खैरियत मालूम कर लिया करूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है बेटा, बीवी है तुम्हारी वो। अच्छा ला छोड़ो से, हाथ मत लगाना, शोहर है वो मेरा। बड़े बड़े दावे करते थे ना, खलू से नियत दयानतदारी कहां गए, सब उड़ गए। सिर्फ दो दिन है आप लोगों के पास, मुझे तमाम कंपनी के नाम डिटेल अपनी टेबल पर चाहिए। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। एहसन, अगर सर में दर्द है तो चाय या कॉफी ला दूं? नहीं, तुम बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फियाजमा, मैं अपने बिजनेस की तरफ से बहुत परेशान हूं, कोई नई कंपनी है जो मेरी कंपनी की शेयर्स धड़ाधड़ खरीद के किसी और कंपनी को लो प्राइस में बेची जा रही है। आप मेरा मतलब यह है कि हम वो शेयर्स दोबारा भी तो खरीद सकते हैं? इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मुझे अपने शेयर्स दोबारा खरीदने के लिए ज्यादा कीमत देना होगी, क्योंकि मेरे शेयर्स की वैल्यू कम होती जा रही है। इसकी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिजनेस में क्राइसिस आते रहते हैं। परेशान मैं इस बात में हूं कि मेरे हरीफों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कोई आस्तीन का सांप है जो मुझे डसना चाह रहा है। मैं खुद बहुत ज्यादा अपसेट थी एहसन, मुझसे तो ये बिजनेस अकेले संभाला ही नहीं जा रहा था, पर से फरहाद की इतनी टेंशन है। फरहाद को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये कैसे हो सकता है, मिर्गी कोई जानलेवा मर्ज नहीं है। मैं क्या बोलूं, डॉक्टर्स मुझे उसकी तरफ से कोई उम्मीद नहीं दिला रहे। मैं खुद डॉक्टर से बात करता हूँ। नहीं, तब मैंने आपको अम्मी के सामने नहीं बताया था। डॉक्टर्स ने उसे कैंसर डायग्नोज किया। प्लीज प्लीज तुम रिलैक्स करो, मैं उसका इलाज करवाऊंगा, बड़ी से बड़े डॉक्टर को उसको दिखाएंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप ही तो मेरा वाहिद सहारा है। कि लेकिन क्या, आपका रवैया आज मुझसे बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वहाज को देखकर आप शक में पड़ गए थे कि वो आपकी गैर मौजूदगी में रात को इस घर में क्या कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी एब्सेंस में उसकी मौजूदगी मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात है, इट्स नेचुरल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने उसे फरहाद की। हाँ जानता हूँ, देखो घर में और भी मुलाजमीन हैं, तो उनकी मदद ले सकती थी,
महाज को बुलाना जरूरी नहीं था, आइंदा ख्याल रखना। देखो पहले की बात कुछ और थी, और महाज का यहाँ आना मुझे पसंद नहीं है। और प्लीज तुम और तुम्हारी वालिदा आइंदा उससे फोन नहीं करोगी। जी ठीक है। अच्छा अब आप आराम कर लें, आप ऑलरेडी बहुत थके हुए हैं। सुनो सारा ही थी नहीं, सच सच बताओ, आई थी जहीन के साथ और बहुत शोर मचा के गई। दोनों ने इतना शोर शराबा किया घर में, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने उनको इतने अल्लाह के वास्ते दिए कि तमाशा खड़ा मत करो। जहीन ने इतनी बदतमीजी की, इतनी तोड़फोड़ की, घर के बाहर लोग जमा होने लगे और मिसेस अफंदी तो घर आ गई थी। एहसन, आप यहां नहीं थे तो मैं बहुत अकेली थी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझसे वादा करें, आप अब जहां भी जाएंगे मुझे अपने साथ लेके जाएंगे, मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है, ये सब कुछ मुझसे अकेले नहीं होता। बाबा को मेरी कोई फिक्र नहीं है बुआ, वो इतने संग दिल कैसे हो गए? उनको पता ही नहीं है कि मैं कितनी तन्हा हो गई, पता ही नहीं है कि मेरे दिन रात किस कल्प में गुजरे हैं। वहां मुझे तो कोई छोटी सी भी तकलीफ होती थी तो बाबा तड़प उठते थे, शायद वो नफरत करने लगे। नहीं बेटा, कोई बाप अपनी इतनी प्यारी बेटी से नफरत नहीं कर सकता, बस वो नाराज है और वक्त के साथ साथ ये नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बुआ, क्या मुझे याद करते होंगे? हाँ जरूर याद करते होंगे, दिल छोटा मत करो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और देखना तुम्हें एक दिन वो ले जाएंगे। एक बात कहूं, जहीन को तुम्हारी बहुत फिक्र है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारी शादी चाहे जिस हालात में भी हुई हो, जहीन की मोहब्बत में मुझे कोई शक नहीं, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा इन बुरे हालात में, जब तक एहसन साहब ना आ जाए और तुम्हें कबूल ना कर ले, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। मेरी बच्ची, मेरी बात ये याद रखना। जब तक आप मेरे निकाह में हैं, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दे सकता जिससे मुझे अजीब ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस सब से? सारा मैं आपके लिए एहसन साहब को जवाब दे दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं 10 मिनट तक ऑफिस पहुंच रहा हूं। ओके। एहसन आप आज ही ऑफिस जा रहे? क्या मतलब? मतलब आप अभी कल आए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते तो। शासमा, मेरी गैर मौजूदगी की वजह से मेरी ऑफिस की क्या हालत होगी? अरे मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। जिस बिजनेस को दिन रात एक करके मैंने इस मकाम पर पहुंचाया, वो किसी की साजिशों की नजर होने वाला है, और तुम कह रही हो कि मैं हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं? आप ठीक कह रहे हैं, मगर क्या मगर? शासमा मैं अपने कारोबार के बारे में तुम्हें एक एक बात बता चुका हूं, फिर भी तुम ये बेवकूफी की बात कर रही हो। बजाय इसके कि तुम मुझे मशवरा दो, मेरा साथ दो, मेरी मदद करो, तुम ये फजूल बातें कर रही हो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरे हम लेट हो रहे हैं,
दो बजे से पहले हमें मीटिंग पर पहुंचना है, चलो मेरे साथ। हाँ शाजवा, फौरन एहसन साहब के साथ ऑफिस जाओ और ड्राइवर से मुझे अस्पताल भिजवा दो, या तुम लोग ऑफिस जाते हुए मुझे अस्पताल छोड़ दो। रात भर सो नहीं सकी, मेरे मासूम फरहाद का चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमता रहा। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम ड्राइवर से कहो कि इनके साथ हॉस्पिटल चला जाए और ये भी ताकीद करो कि इनके साथ रहे, जैसे ही वहां से फारिग हो जाए तो इनको इनके घर छोड़ा है। एहसन, अम्मा बहुत अकेली हो गई हैं, जब फरहाद था तब कोई और बात थी। मैं समझा नहीं। मैं चाह रही थी जब तक फरहाद हॉस्पिटल में कि अब अम्मा हमारे साथ रह सकती हैं। मुझे बेटी के घर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमारे यहाँ तो रवाज ही नहीं है कि बेटी के घर का पानी भी पिया जाए, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हो गई हूँ। शौहर तो था नहीं, अब बेटा भी मेरे साथ नहीं है, कहाँ जाऊँ मैं। अम्मा अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं नजमा खाला को फ़ोन करके घर बुला लेती हूँ, उनकी तो वैसे भी उनकी बहू से नहीं बनती, तो आप उनके साथ रह लीजिएगा। हाँ हाँ, जैसी तुम लोगों की मर्जी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जब तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अब तुम जल्दी आओ, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं आ रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, साबरा मेरा बैग लेके आओ। अल्लाह हाफिज़। वाह भाई वाह, मान गए, बहुत चलाक निकली तुम और तुम्हारी माँ, कैसी होशियारी से बात संभाल ली। भाई मुझे तो लग रहा था कि अब एहसन साहब को हमारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा। मैंने तो अपना माइंड बना लिया था सब कुछ फेस करने के लिए, अचानक ही छापा मार दिया तुम्हारे मियां साहब ने भाई। हाँ तो क्या करते, तुम्हारी भी तो मोर्चे लगी हुई थी, ना दिन देखते थे ना रात, मुंह उठा के चले आते थे जब दिल करता था तुम्हारा। मुलाजमों को पैसे देके उनका मुंह तो बंद कर दिया है, लेकिन नमक तो वो एहसन का खाते हैं ना। और एहसन भी कोई नासमझ बच्चे नहीं है, किस तरह देख रहे थे वो तुम्हें, उन्हें दाल में कुछ काला महसूस हो गया था। उन्होंने कल सारी रात मुझसे बात नहीं की, सुबह नाश्ते पे भी उनका मुंह बना हुआ था। मैं तो डर गई थी अगर उन्होंने मुझसे कोई डायरेक्ट सवाल पूछ लिया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। अरे छोड़ो छोड़ो, ये डरने डराने की एक्टिंग ना मेरे सामने मत करना तुम, बहुत चलाक औरतें हो तुम माँ बेटी, उन्हें जरा भी शक नहीं होने दिया। मैं तो उनके पास से आ रहा हूँ, मुझसे तो ठीक तरह बात की उन्होंने। क्यों नहीं करेंगे वो तुमसे ठीक से बात, और मुझे भी अपना घर बचाना है। घर बचाना है? बिल्कुल, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक जरूर। एहसन बहुत परेशान है, 20 करोड़ का नुकसान कम नहीं होता। मीटिंग की कॉल आने वाली है, तैयारी है? तुम बताओ तुम्हारी है, क्या जवाब दोगे? पूरा ऑफिस जमा होगा, एहसन लाजमी पूछेंगे तुमसे और मंसूर से। मुतमईन रहो, बस 2-3 महीने की बात है शाजमा, सिर्फ 2-3 महीने की बस। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती महाज। देख लिया आपने अपने एडवेंचर का नतीजा, कितना समझाया था मैंने आपको, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे जबरदस्ती कोर्ट ले जाकर निकाह करने पर मजबूर कर दिया। ये लो सारा बेटा, मैं तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री से लेकर आई हूँ। बुआ आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बता देती। बेटा परेशान ना हो, मेरी हड्डियों में इतना दमखम है कि तुम्हारे छोटे मोटे काम तो कर ही सकती हूँ। लेकिन बुआ अब मैं यहाँ मेहमान तो नहीं हूँ ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। पहले भी तो करती थी। पहले की बात और थी, पहले तो मैं भी कोई और सारा थी। मेरे लिए तो तुम अब भी वही वाली सारा। फिर भी बुआ 2-4 दिन की बात होती तो मैं आपसे कहती कि खैर है, लेकिन रानी मैं आपके सर पे कब तक सवार रहूंगी। बुआ अब ऐसे में अच्छा तो नहीं लगता ना,
कि मैं यहाँ ऐसे बैठी रहूं और आप भाग भाग के मेरे काम कर रही हूँ। आज से मैंने डिसाइड किया कि अपने सारे काम मैं खुद करूँगी और आप मेरे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगी। ये नाजुक हाथ काम करने के लिए नहीं है, तुम तो शहजादी हो शहजादी। पहले नहीं होंगे लेकिन अब तो। बुरी बात है बेटा, अल्लाह की जात से मायूस नहीं होते, वो अपने अच्छे बंदों को आजमाइश में डालता है। ये झूठे दिलासे में खुद को बहुत दे चुकी हूँ। खैर बुआ, मुझे आपसे एक बात करनी है, आप प्रॉमिस करें आप मुझे मना नहीं करेंगी। ऐसी भी क्या बात है बेटा? बुआ मैं जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आप पे बोझ बन गई हूँ, लेकिन ये जॉब मैं खुद की खातिर करना चाहती हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। आप मुनव्वर से कह के एक राइटिंग पैड और पेन मंगवा देंगी? ठीक है बेटा, मैं मुनव्वर से कह दूंगी, लेकिन तुम्हारी ये जिद है, मेरी मर्जी नहीं है इसमें शामिल। मैं जानती हूँ बुआ, आप खुद को किसी चीज का जिम्मेदार मत समझें, हालात जैसे भी हो इंसान को उसके मुताबिक ढल जाना चाहिए। मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, अपना बोझ खुद उठाना चाहती हूँ, और मैं आपके खुलूस को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। सब ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, जब उसका मुकर्रर हुआ वक्त आएगा ना तो सब कुछ ऐसे ठीक होगा जैसे कभी पहले खराब ही नहीं हुआ था। हौसला रखो बेटा, हिम्मत नहीं हारते। सर बहुत कोशिश करी सुराग लगाने की, मगर कुछ भी नहीं पता चल सका कि इस मार्केट में ऐसा कौन है। तो फिर पता करो ना, किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम, हलाल करो अपनी रोजी। मैंने तुम लोगों के भरोसे अपना कारोबार दिया और बदले में तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे तुमसे मंजूर इस गफलत की तवक्को नहीं थी, अपना राइट हैंड समझता था मैं तुम्हें। सर आप तो जानते हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से बिजनेस हैंडल कर रहा हूं, कम से कम आप तो मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा। इल्जाम? मंजूर 20 करोड़ का नुकसान हुआ है मुझे, ख्वाब में नहीं असल में। तुम्हारी दयानतदारी ना सही लेकिन तुम्हारी तवज्जो पर सवाल जरूर उठेगा। तुम्हारी अदम तवज्जो की वजह से मुझे कारोबार में इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन दोनों का क्या, मैं इन पर रिलाई नहीं कर रहा, लेकिन तुम तो पिछले 8 साल से मुझसे काम कर रहे हो, जानते हो मुझे कि कारोबार में मुझे इस तरह की गफलत बर्दाश्त नहीं। पर तुम लोगों ने मेरे पीछे से मेरे साथ क्या किया? बड़े बड़े दावे करते थे ना, खलूसनी दयानतदारी कहां गए, सब उड़ गए। कोई है जो मुझे कारोबार में बर्बाद करना चाहता है और आप है कि मुझे लेम एक्सक्यूज दे रहे? हद करते हैं आप, व्हाट नॉनसेंस। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है आप लोगों के पास, मुझे तमाम कंपनी के नाम डिटेल अपनी टेबल पर चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा अपनी एक एक पाई वसूल करूंगा मैं उससे।